तो सबसे पहले दोस्तों आपको एयरटेल का सिम एक्टिवेट करने के लिए पहले आप आधार कार्ड के माध्यम से कर रहे थे, लेकिन अभी न्यू अपडेट आ गया है, इसके माध्यम से आप बायोमेट्रिक यानी फिंगरप्रिंट के माध्यम से भी आप एयरटेल का सिम एक्टिवेट कर सकते हैं। तो चलिए कैसे, सबसे पहले आपको आ जाना होगा एयरटेल जो मित्रा आपका ऐप है उसको ओपन कर लेना। ओपन कर लेने के जस्ट बाद आपको यहाँ पे इस तरह से इसका इंटरफेस दिखाई देगा, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है प्रीपेड डिजिटल एक्टिवेशन का, तो आपको इसको ओपन कर लेना है। चलिए हम ओपन कर लेते हैं। ओपन कर लेने के जस्ट बाद इसका इंटरफेस आपको इस तरह से दिखाई देगा नेक्स्ट, तो आपको इस पर टच करके नेक्स्ट कर देना है। फिर यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाता है, तो आपका फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे यूआईडी आधार कार्ड, इसको आपको चूज कर लेना है। चलिए चूज कर लेते हैं। चूज कर लेने के बाद नेक्स्ट आपको करना है, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलता है, तो फर्स्ट वाला आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को आपको इस पर टिक करके नेक्स्ट कर देना है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट कर दिए, यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। हो जाने के जस्ट बाद आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया एक ऑप्शन वेरीफाई कस्टमर, तो आपको यहाँ पे कस्टमर का वेरीफाई करना है, तो यहाँ पे इस बॉक्स पे टिक कर देना है। चलिए हम टिक कर देते हैं, और टिक करने के ऊपर थोड़ा सा आपको ड्रैग करना है। ड्रैग कर लेने के बाद आपको कस्टमर का जो आधार कार्ड का नंबर होता है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, और यहाँ पे फिंगर कैप्चा कर लेना है। चलिए हम फटाफट आधार कार्ड का नंबर डाल के फिंगर कैप्चा कर लेते हैं, और यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डालिए। डाल देने के जस्ट बाद आपको बस यहाँ पे जो फिंगर का यहाँ पे आपको निशान दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लोगो है, इस पर आपको एक बार टच कर देना है, और जो भी कस्टमर का आप सिम एक्टिवेट कर रहे हैं उसका यहाँ पे अपने बायोमेट्रिक पे फिंगर स्कैन कर लेना है। चलिए हम यहाँ पे जब भी टच करेंगे तो यहाँ पे इसका जो है कि बायोमेट्रिक का यानी मोर्फो का जो है कि रेड बटन ब्लिंक करना स्टार्ट कर देता है। चलिए हम यहाँ पे कैप्चर कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो भी यहाँ पे फिंगर कैप्चर हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ थोड़ा सा ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे जो भी एड्रेस वगैरह होता है सब कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है। तो इतना कर लेना है, और लेने के बाद ऊपर से थोड़ा सा ड्रैग करना है। ड्रैग कर लेने के बाद यहाँ पे कस्टमर का एक आपको लाइव यहाँ पे फ़ोटो खींचना होता है। चलिए हम यहाँ पे एक फ़ोटो टेक कर लेते हैं। यहाँ पे फोटो टेक हो गया, जस्ट आपको यहाँ पे कर देना है डन, और डन करके नेक्स्ट कर देना है। चलिए यहाँ पे हम डन करके नेक्स्ट कर दिए। यहाँ पे फोटो अपलोड हो रहा है, यानी अपलोड हो जाने के जस्ट बाद आपको ऊपर से थोड़ा सा ड्रैग करना है। ड्रैग कर देने के बाद यहाँ पे कस्टमर का एक अल्टरनेट नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। चलिए हम फटाफट डाल देते हैं। चलिए यहाँ पे हम कस्टमर का अल्टरनेट नंबर डाल दिए। डाल देने के जस्ट बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाता है पर्सन विथ डिसेबिलिटी का, तो यहाँ पे आपको कर देना है नो। चलिए हम फटाफट नो पे टिक कर देते हैं। टिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ थोड़ा सा ड्रैग करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कनेक्शन डिटेल्स में। कनेक्शन डिटेल्स में यहाँ पे न्यू सिम एक्टिवेट करते हैं तो यहाँ पे सुक पे ही टिक करना है, और MNP कीजिएगा तो MNP पे, और यहाँ पे CON कीजिएगा तो CON, तो फर्स्ट वाले पे ही आपको रखने देना है। और इतना कर देने के बाद जस्ट आपको नेक्स्ट करना है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटर मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर सिम नंबर, यहाँ पर IMSI नंबर, यहाँ पे ट्रैफिक प्लान, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ पे आपको इस पे टच कर देना है। जो आप यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आप देख रहे हैं, इस सर्च बॉक्स पे आपको एक बार टच कर देना है। ये इस पे टच करेंगे तो आपका यहाँ पे स्कैन करने के लिए आ जाएगा, आपके पास जो भी न्यू एक्टिवेट करने के लिए सिम होगा एयरटेल का उसका QR कोड आपको स्कैन कर देना। जब भी स्कैन करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सब कुछ फिलअप हो जाता है, मोबाइल नंबर और सिम का नंबर टोटल सब कुछ। बस आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। यहाँ पे ट्रैफिक प्लान है, यहाँ पे FRC जो होता है उसको चूज कर लेना। चलिए इस पे टच कर देते हैं। टच कर देने के बाद यहाँ पे जितना भी एयरटेल का जो भी FRC प्लान होगा सारा का सारा यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो आप जो भी प्लान यहाँ पे चाहते हैं कस्टमर को देना, यानी सिर्फ ओनली अनलिमिटेड कॉलिंग चाहते हैं तो कॉलिंग आपको चूज कर लेना है। तो यहाँ पे 179 का चूज कर सकते हैं, और इस और 1.5 GB पर डे डाटा आपको चाहिए तो यहाँ पे 299 का प्लान चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 299 का। तो चलिए यहाँ पे हम 299 पे टिक कर देते हैं। जब ही टिक करेंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट प्लान जो है इस पर आपको टच कर देना है। जब ही टच कर देंगे तो ऊपर की तरफ थोड़ा सा ड्रैग करना है। अब नेक्स्ट आपको करना है यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स में, तो यहाँ पे आपको प्रोफेशनल जो है इस पर आपको टच कर देना है। टच कर देने के बाद यहाँ पे पाँच ऑप्शन आ जाता है, सेल्फ एम्प्लॉय, सैलरी, रिटायर्ड, होम मेकर, वोकेशनल। तो अगर इसमें जो भी होगा वो आपको चूज कर लेना है। चलिए हमें होम मेकर कर देते हैं क्योंकि लेडीज़ के नाम से सिम एक्टिवेट हो रहा है। इतना कर देने के जस्ट बाद आपको नीचे यहाँ पे फिर से एक ऑप्शन आ जाता है एग्जिट अकाउंट, यानी उस कस्टमर के नंबर कितना सिम एक्टिवेट है वो आपको चूज करना है कौन सा कंपनी का है। तो चलिए यहाँ पे एयरटेल का है, यहाँ पे एयरटेल का है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले अकाउंट पे कर देते हैं और एक डाल देते हैं, और यहाँ पे एयरटेल का सिम है तो एयरटेल को एक कर दिए। कर देने के बाद ऊपर से थोड़ा ड्रैग करना है, और ड्रैग कर देने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको आ जाना है नीचे, और यहाँ पे
कस्टमर डिक्लेरेशन, भाई कस्टमर है तो यहाँ पे आपको टिक कर देना। चलिए हम टिक कर देते हैं। टिक कर देने के बाद यहाँ पे फोटो वगैरह जो भी है अपलोड हो जाता है। अपलोड हो जाने के बाद ऊपर की तरफ थोड़ा सा ड्रैग करना है। अब यहाँ पे जो है कि डिक्लेरेशन बाय POS POS लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये जो है कि आपके लिए यानी रिटेलर के लिए है, तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। चलिए हम टिक बॉक्स का जो यहाँ पे एक ऑप्शन है आपको टिक कर देना है, ऊपर से ड्रैग कर देना है। ड्रैग कर देने के बाद यहाँ पे आपको जो आप सिम एक्टिवेट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे अपना फिंगर यहाँ पे कैप्चर कर लेना है। तो चलिए जब इस पर कैप्चर पे टच करेंगे, बायोमेट्रिक का स्क्रीन यानी ब्लिंक करेगा रेड लाइट, और उस पर फिंगर रख कर कैप्चर कर लेते हैं। जब इस तरह से कर लेगा बस आपको कुछ सेकंड वेट कर लेना है। उसके बाद में ऊपर का थोड़ा थोड़ा सा ड्रैग करना है। ड्रैग कर देने के बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आ गया, तो आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। चलिए हम यहाँ से सबमिट कर देते हैं। जब सबमिट करेंगे तो यहाँ पे इसका जो भी डाटा वगैरह सब कुछ सबमिट हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन वेलकम टू द एयरटेल फैमिली, यहाँ पे इस तरह से आ गया। बस आपको यहाँ पे FRC के लिए यहाँ पे रिचार्ज करने के लिए यहाँ पे बोला जाएगा। अगर रिचार्ज नाउ कर देते हैं तो यहाँ पे जो पैसा है FRC का वो कट जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है इतना कि आपको करना है स्किप। स्किप करने से यही फ़ायदा होता है कि अगर आप स्किप कर देते हैं वो सिम रिजेक्ट या कुछ भी होता है तो एयरटेल कंपनी जो है वहाँ पे पैसा वगैरह कुछ रिटर्न नहीं करते, लेकिन स्किप कर देते हैं तो सिम एक्टिवेट हो जाने के बाद में आप इसको रिचार्ज जो FRC होता है वो कर सकते हैं, जिससे आपका पैसा नहीं फंस पाएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ से हम कर देते हैं स्किप। स्किप फिर से यहाँ पे ऑप्शन आ गया कैंसिल स्किप, तो स्किप कर दीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो है कि सिम एक्टिवेट हो गया, पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आप एयरटेल का न्यू सिम एक्टिवेट कर दे सकते हैं बायोमेट्रिक के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों मैं अपने वीडियो को आज यहीं पर एंड करता हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। ओके, गुड बाय।